दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि फेसबुक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबसे ज्यादा कॉपी पेस्ट करके लोग अर्निंग कर रहे हैं क्रिएटर्स। ऐसे में बहुत सारे क्रिएटर्स जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो उनकी वीडियोस वायरल ही नहीं होती। वायरल नहीं होना होना एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स के यहाँ पे मोनेटाइजेशन इशू आ जाता है या फिर ओरिजिनल कॉन्टेंट आ जाता है। लेकिन वही चीज जब आप दूसरे के पेज पे देखते हो फेसबुक में, तो देखते हो 8 से 10 घंटे के अंदर मिलियंस में व्यूज होते हैं किसी पे, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, यहां तक कि हाईएस्ट व्यूज एक एक दिन में 50-50, 70-70 मिलियन फेसबुक पे आ जाता है कॉपी पेस्ट वाली वीडियोस में। अब बात आती है ऐसे कि कॉपी पेस्ट वाली वीडियोस जब आप करते हो तो आपके वीडियोस पे व्यूज क्यों नहीं आते। तो दोस्तों इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि हम लोग अगर कॉपी पेस्ट करते तो हमारे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहा था, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहा था। तो चलिए गाइस आज इसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देख सकते हो लाइव प्रूफ बताऊंगा कि आखिरकार कॉपी पेस्ट वाली वीडियोस को वायरल कैसे की जाती है, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कॉपी पेस्ट वाली वीडियोस को वायरल कैसे करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम जानेंगे मोनेटाइजेशन और ये अनओरिजिनल कंटेंट का लफड़ा क्या है। आप लोग करते हो तो इस चीज में फंस जाते हो और आप लोग क्यों नहीं कमा पाते हो फेसबुक से पैसे। फर्स्ट रीजन होता है कि वीडियोस ही वायरल नहीं होती, सेकंड अनओरिजिनल कंटेंट आ जाता है या फिर कोई पॉलिसी इशू आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पेज यहाँ पे ओपन करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो ये मोहन के वाइंस ये वाला पेज है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पब्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक बारीकी से समझो कि कोई खेल नहीं है फेसबुक पे कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाना, ठीक है। इसके लिए आपका माइंड पावर लगता है, दिमाग से आपको काम करना होता है, साथ में आपको स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करनी होती है, उसके बाद ही आप कॉपी पेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। तो ये चीजें पूरा क्लियरली आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे आप देखो कि कुछ वीडियोज मैंने अपलोड की है आपको समझाने के लिए इस पेज पे, जिसमें कि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें जीरो शेयर है, देखो यहाँ पे जीरो शेयर बता रहा है, एंड जीरो शेयर में आप देख सकते हो कितने व्यूज है, 41 व्यूज, और रीच कितने आदमी तक गया है, 209 आदमी तक रीच गया है और 41 व्यूज आया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 8 शेयर है, यहाँ पे जीरो शेयर और ये 8 शेयर लगा है इस पे, मतलब 8 आदमियों ने शेयर किया इसको, और व्यूज कितना आया है, 172 व्यूज, यानी कि सीधा यहाँ पे शेयर, अगर इस वीडियो को शेयर मिला तो व्यूज ज्यादा आ गए, ठीक है। एंड गाइस जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि 24 शेयर है और इस पे व्यूज कितना है, 454 व्यूज। जैसे जैसे यहाँ पे शेयरिंग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे व्यूज भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 37 शेयर है और यहाँ पे क्या कितने व्यूज है, 5700, लेकिन रीच कितना है, 2400 आदमी तक। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि बाकियों में रीच ज्यादा है और व्यूज कम है, और यहाँ पे रीच कम है और व्यूज ज्यादा है, तो ये कैसे हुआ, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस वीडियो को ज्यादा शेयर आया तो फेसबुक को लगा कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ है और इस वीडियो को लोग ज्यादा देख रहे थे, 1 मिनट से ज्यादा, तो इसको रिकमेंड किया, इसलिए इस पे व्यूज ज्यादा है और रीच कम है। और मैं ऊपर लेके जाता हूँ, अब आप लोग कहोगे कि शायद इस पेज का रीच ज्यादा हो गया होगा, ज्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए यहाँ पे व्यूज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो फिर मैंने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसपे एक भी शेयर नहीं किया और यहाँ पे व्यूज देखो 45। अब ये क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि पेज पे फॉलोअर्स बढ़े इस वजह से व्यूज ज्यादा आता जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पे डाउट को क्लियर कर लो कि यहाँ पे शेयरिंग पावर से व्यूज आई है। फिर मैंने एक वीडियो को 35 शेयर किया तो यहाँ पे देख सकते हो रीच 2200 और व्यूज 1700, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये शेयरिंग सेटअप की कैसे जाती है, ये अगर आप लोग चाहोगे कि एकदम हलवा है तो ऐसा नहीं होता। अगर फेसबुक पे कॉपी पेस्ट करना, सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आपका भी मोनेटाइजेशन इशू आया होगा, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्लियरली आखिरकार ये कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर कितना हमें टाइम देना पड़ता है, कैसे शेयरिंग सेटअप बनती है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फेसबुक को ओपन करते हैं। फेसबुक को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम लोगों पे क्लिक करेंगे, लोगों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वही पेज है मोहन के बाइंस, आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे एंड गाइस नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोनेटाइजेशन का सेक्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे चेक करने के लिए हमें इनस्ट्रीम ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा, तो इनस्ट्रीम ऐड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनस्ट्रीम पे ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई मोनेटाइजेशन इशू नहीं है, इसका क्राइटेरिया भी फिल नहीं हुआ। और फॉलोअर्स की बात करें तो सिर्फ 28 फॉलोअर्स है, 28 फॉलोअर में यहाँ पे 5700 व्यूज एक वीडियो पे है, ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फेसबुक पे अगर कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाना है तो कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाने के लिए आपके पास शेयरिंग पावर होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स को रेंट पे लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े ग्रुप्स में ही वीडियोस डालोगे तो वीडियोस वायरल होगा। अगर बड़ा ग्रुप्स है और वहां पे मेंबर्स ज्यादा है तो मेंबर्स एक्टिव भी होना चाहिए। और आपके पास पैसा नहीं है तभी तो कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हो।
फिर स्टार्टिंग में ही आप कैसे किसी ग्रुप्स को रेंट पे लेके और उसमें वीडियोस को शेयर करोगे? ऑफ कोर्स अगर आपके पास पैसा होता तो आप ये काम करते ही नहीं। कुछ अब बात आती है कि हम खुद का सेलिंग सेटअप कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको पूरा स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा, जो कि वीडियो से एक बहुत ही लंबा बनता है। अगर उस वीडियो को या फिर इस लंबा प्रोसेस को समझने के लिए आप में से सारे आदमी अगर इच्छुक है, कम से कम 50 कमेंट आने चाहिए, तो मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से सेलिंग सेटअप खुद का तैयार किया जाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े पेजेस देखते हो उस सारा उनका खुद का सेलिंग सेटअप होता है और वो कंप्यूटर पे चलता है, लेकिन हमने मोबाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करके आपको बताने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि आखिरकार हम मोबाइल से भी सेलिंग पावर करके कैसे खुद के दम पे किसी ग्रुप्स का मदद नहीं लेना है, रेंट पे नहीं लेना, और उस पे में हम वीडियोस कॉपी पेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, लेकिन कम से कम 50 कमेंट आता है तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जो कि एक लॉन्ग हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट या फिर 35 मिनट का होगा, जिसमें हम आपको पूरा स्टार्टिंग से आईडी बनाना बताएंगे, उस आईडी को ग्रो कैसे करना है, किस टाइप की आईडीज बनानी है, उसमें पेजेस कैसे बनाना है, शेयरिंग सेटअप के लिए ग्रुप्स, फ्री वाले ग्रुप्स कहां से लेंगे, उन ग्रुप्स की मदद से कैसे हम वीडियोस को वायरल करते हैं, ग्रुप्स में अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारे ग्रुप्स के लिंक कहां है, सारा कुछ हम प्रोवाइड करेंगे आपको। आखिरकार किस तरीके से मोबाइल से भी आप शेयरिंग करके वीडियोस को वायरल करके कॉपी पेस्ट वाले वीडियोस से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि कॉपी पेस्ट वाले वीडियोस से अगर आपको पैसा कमाना है तो कम से कम समय में अपने वीडियोस को वायरल करना होगा, और वीडियोस को वायरल होगा तभी आप लोग पैसे कमा पाओगे। अच्छा। उम्मीद करता हूँ इससे ही आपको पूरा क्लियर समझ आ गया होगा कॉपी पेस्ट वाली वीडियोस को वायरल करने का खेल क्या है।